नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गणेश पाठक। आप देख रहे हैं ट्रेड फ्रेश चैनल। ट्रेड फ्रेश चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। हर वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की मैं विनती करता हूं। उसी तरह आज भी कर रहा हूं कि मेरे ये चैनल का लोगो है, ये लोगो देखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने की बार बार विनती करता ही था मैं, तो अभी सब्सक्राइब करने की और एक वजह आपके सामने आ रही है कि कुछ आज तक जो मैंने दिया है आप लोगों को, उसको आप लोगों ने सराहा है, तो इसी कड़ी की अगली पेशकश मैं करने जा रहा हूँ। इसलिए वो मैं सबसे महिला मेरा पहला प्रेफरेंस सब्सक्राइबर के लिए है। तो जो सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए सुविधा पहले दी जाएगी, और इसलिए मैं बार बार सबको सब्सक्राइब करने की विनती करता हूँ। तो ये कुछ आने वाला है, आशा है आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। जैसे मेरे गायन मेल कैलकुलेटर ये सबको आपने पसंद दी है, तो ये आने वाला जो कुछ है वो भी आपको शायद पसंद आएगा। तो इसका खुलासा होने जा रहा है आपको अगले 2-3 दिन 4 दिन शायद वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके सामने आ सकता है। मेरा पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने यहाँ पर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप का मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मेरे चैनल का यूट्यूब का लिंक भी मैंने यहाँ दिया है। जितने भी मेरे वीडियो है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। अगर अगले पिछले कुछ वीडियो देखना चाहते हैं कोई, तो ये लिंक पर जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। निफ्टी की हम बात करते हैं रोज, तो आज भी बात करेंगे। तो शुक्रवार के क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी को 10698 के ऊपर बाय था गैन व्हील के हिसाब से, और फिर ऊपरी लेवल हमें मिल सकते थे, या 10664 के नीचे अगर सेल करते तो निचले लेवल मिल सकते थे। तो अभी हम देखेंगे कि निफ्टी खुला ही 10718, यानी यहाँ कहीं खुला, थोड़ा सा नीचे आया, बिल्कुल नीचे आया। बोलना भी बहुत ये है क्योंकि 5 पॉइंट निफ्टी में बोले तो कुछ भी नहीं है। तो यहीं से निफ्टी ने ऊपरी छलांग लगाई और यहाँ तक चला गया। तो अच्छा मुंह आज निफ्टी में मिला था। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ एंट्री की होगी जहाँ भी, तो उन्होंने ये ऊपरी तरफ का मुनाफा कमाया होगा। बाद में साधारण 1-1.5 घंटे के बाद फिर निफ्टी नीचे भी आया, तो उल्टा ट्रेड जिन लोगों ने किया होगा उनको उस तरफ का भी मुनाफा मिल गया होगा। देखते हैं कि कैलकुलेटर ने क्या दिखाया था। कैलकुलेटर ने दिखाया था कि रेंज वन में जो है 10685 का हाई और 592 का लो बन सकता है, मगर निफ्टी खुला ही बहुत ऊपर और नीचे जाने का कोई सवाल ही नहीं हुआ था। तो कैलकुलेटर के अगेंस्ट आज निफ्टी ने काम किया है, तो 100 पॉइंट का करीब करीब फासला निफ्टी ने रखा है। 782 का हाई बना है और 685 का हमारा हाई था, यानी करीब 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, तो यहाँ भी वही हाल हुआ है। तो आज कैलकुलेटर को बाजू छोड़ के निफ्टी ने बहुत अच्छा मुंह दिया है। तो देखते हैं कि आज का मुंह कैसा रहा। ये देखिए, एक बार जो यहां से शुरुआत हुई तो करीब करीब 11:15 बजे तक निफ्टी मस्त चलता रहा, फिर बिल्कुल धीरे 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 नीचे आया। वो भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं आया, 30-40 पॉइंट ही नीचे आया, यहां स्टेबल किया, फिर थोड़ा सा फिसल गया। इस तरह से निफ्टी ने आज
यहाँ खरीदने के बाद यहाँ का और यहाँ बेचने के बाद यहाँ तक का मुनाफा हमें दिया है। तो ठीक है, ये तो हुई आज की बात। अभी कल मंगलवार के दिन हमें क्या मिल सकता है ये हम देखेंगे। तो आज का जो क्लोजिंग है 741.55, उसके अनुसार 758 पे बाय आ रहा है और 758 के ऊपर ये लेवल मिल सकते हैं, या नहीं चला तो 724 के नीचे अगर सेल करेंगे तो इधर के लेवल हमें मिल सकते हैं। तो आज तो गानवेल के हिसाब से ऊपरी तरफ चल पड़ी निफ्टी, मगर कैलकुलेटर के हिसाब से वो फेल रहा। तो अभी ये 758 और 1024 में कैलकुलेटर क्या दिखा रहा है वो हम देखेंगे। तो आज का डाटा डालने के बाद रेंज 2 आ गई, तो रेंज 2 का बॉक्स में 10796 और 10727 का लेवल हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है। 796 बोले तो यहाँ तक की रेंज दिखा रहा है और 727 बोले तो यहाँ तक की। तो कैलकुलेटर के हिसाब से ये कल की रेंज बनती है और निफ्टी के हिसाब से यहाँ खरीदा तो इधर के लेवल और यहाँ बेचा तो इधर के लेवल हमें मिल सकते हैं। अब स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट के और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद अगर हम देखते हैं तो ये पिवट पॉइंट के हिसाब से 778 यानी करीब करीब यहाँ पहला रेजिस्टेंस आ रहा है और 814 बोले तो यहाँ तक दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है। और सपोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो 709 का पहला सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर और 677 बोले तो ये इसके बीच में स्टैंडर्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। तो देखते हैं कल क्या निफ्टी हमें देता है। तो रोज की तरह निफ्टी की बात मैंने आपके सामने रखी है और ये कुछ आने वाला है ये भी मैंने आपको बताया है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने आपको दिखाया है। तो आपका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग दे रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होती है बनाने में। तो मैं रोज जो मेरे जो मुझसे बनता है, जो मेरा कैलकुलेटर और ज्ञान व्हील दिखाता है, उसका मैं आपके सामने रखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखा इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा। और कुछ नया जो देने जा रहा हूँ उसका थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना पड़ेगा। तो थैंक यू।